फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू एवरी वन। टुडे इज़ 25 अप्रैल एंड आई वेलकम यू ऑल ऑन माई यूट्यूब चैनल। माई नेम इज़ विष्णु गुप्ता एंड वी आर लर्निंग बायोलॉजी हेयर मोर देन अ सब्जेक्ट। यस्टरडे वी डिस्कस अ लॉट ऑफ टॉपिक इन द थर्ड चैप्टर, दैट इज़ ह्यूमन रिप्रोडक्शन। एंड टुडे वी आर गोइंग टू हैव द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, मीन्स टुडे वी आर गोइंग टू फिनिश दिस चैप्टर। क्लियर? तो लेट्स सी वट इज़ द टॉपिक ऑफ टुडे। एंड before going ahead, we have to start with a very motivational quote. See, I have pasted this line for you. The one who knows how to adjust is the one who knows how to survive. This line is completely suit to the present scenario. In the present scenario, like as in the lockdown time, the people, those have adjusted theirself, jinhone apne aap ko adjust kar diya, दे आर सर्वाइविंग वेल। वो सर्वाइव कर रहे हैं, उनको पता ही नहीं लग रहा है। वो अपने टाइम को यूटिलाइज़ कर रहे हैं, रीडिंग में लगा रहे हैं और भी सारी एक्टिविटीज़ में लगा रहे हैं। लेकिन जिन्होंने एडजस्ट ही नहीं किया, जिन्होंने अपने अंदर चेंजेस ही नहीं लाए, उनके लिए सर्वाइवल बहुत ज़्यादा टिपिकल हो गया है। तो दिस इज़ लाइन, दिस लाइन फॉर यू नाउ, दिस मोटिवेशनल लाइन फॉर यू एंड जस्ट इट इज़ फॉर द एनहेंस द एनर्जी, ताकि आपकी एनर्जी बढ़ गई होगी। ठीक है, लेट्स स्टार्ट अ सेशन। सेशन को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, मैं आपको थोड़ा सा रिव्यू दे देता हूँ। यस्टरडे वी डिस्कस्ड अबाउट द फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन के बारे में डिस्कस किया था। ठीक है, देन इम्प्लांटेशन के बारे में डिस्कस किया था कि हाउ द फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस। इन द फर्टिलाइजेशन प्रोसेस आई टोल्ड यू सो मेनी पार्ट, सो मेनी टॉपिक मैंने आपको डिस्कस किया था कि हाउ द सो मेनी स्पर्म्स रीच टू द साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन। यू नो द साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन, दैट इज एम्पुलरी आइस्थमिक जंक्शन। देन हाउ इट इज़ पॉसिबल दैट ओनली वन स्पर्म कैन एंटर इन द ओवम, बिकॉज देर आर मोर देन 100 स्पर्म्स रीच टू द फर्टिलेशन साइट, बट ओनली वन स्पर्म एंटर इन द ओवम। देन आई टोल्ड यू हाउ इट इज़ पॉसिबल बिकॉज ऑफ द मेम्ब्रेन एंड कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स। देन वी डिस्कस द अबाउट द क्लीवेज आफ्टर फर्टिलाइजेशन, द जाइगोट इज फॉर्म। ठीक है, एंड इन द जाइगोट द क्लीवेज स्टार्ट। आई टोल्ड यू वट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द डिवीजन एंड द क्लीवेज, दोनों में डिफरेंस क्या होता है। ठीक है, क्लीवेज में बताया था कि किस तरह से अलग अलग एम्ब्रियो के स्टेजेस आती हैं। सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल जाइगोट, देन जाइगोट डिवाइड इनटू 2, 4, 8, देन 16 सेल्स आर स्टेजेस देयर। एट दिस स्टेज द जाइगोट मूव टू द यूटरस, वो यूटरस की तरफ मूव कर जाता है। ठीक है, एंड दैट इज नोन एज व्हाट, मारूला। इसी स्टेज को हम क्या बुलाते हैं, मारूला स्टेज बुलाते हैं। देन 16 सेल्स, दी सेल्स, इन सेल्स को क्या बुलाते हैं, ब्लास्टोमियर्स बुलाते हैं। दीज ब्लास्टोमियर ट्रांसफॉर्म इन टू द ब्लास्टोसिस्ट, ये ब्लास्टोसिस्ट में ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं। ठीक है, एंड दे आर डिफरेंशिएशन, मतलब इनका जो अरेंजमेंट होती है इन सेल्स की, दे टुक प्लेस इन द टू पार्ट, वो दो पार्ट में अरेंज हो जाते हैं। फर्स्ट वन इज़ अ ट्रोफोब्लास्ट, दैट इज आउटर वन, एंड इनर वन इज़ अ इनर सेल मास। ठीक है, एंड दे नाउ दे आर गोइंग टू इम्प्लांट इन द एंडोमेट्रियम वॉल। अब इनका इम्प्लांटेशन कहाँ पे होगा, एंडोमेट्रियम वॉल में होगा। ठीक है, तो यस्टरडे वी डिस्कस दैट विदाउट ट्रोफोब्लास्ट द जाइगोट कैन नॉट इम्प्लांट, जाइगोट का इम्प्लांटेशन पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो ऐसा क्या है, व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंट रोल ऑफ द ट्रोफोब्लास्ट, दैट इट फॉर्म द विली, से विली निकल आते हैं। ठीक है, एंड दैट विली हेल्प इन द इम्प्लांटेशन, वो विली इम्प्लांटेशन में हेल्प करते हैं। आई टोल्ड यू दैट ट्रोफोब्लास्ट आल्सो सेक्रेट सम मिल्की फ्लूइड, दैट इज़ आल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर द इम्प्लांटेशन। द वट इज़ द रोल ऑफ एंडोमेट्रियम वॉल इन द इम्प्लांटेशन। यस्टरडे आई टोल्ड यू वन एक्टिविटी कि वेन यू जस्ट पुश अ पेन इन टू योर पाम, देन वट हैपन्स, द पेन निब इंटर इन योर पाम, और जो पाम में आप देख रहे होगे स्पेस बनता चला जाता है। ठीक है, इन द सेम वे, इन द नेक्स्ट डायग्राम यू कैन सी, इन द सेम वे द स्पेस इज प्रोवाइडेड इन द एंडोमेट्रियम वॉल। जो स्पेस होता है वो एंडोमेट्रियम वॉल में प्रोवाइड होता है, मीन्स द जाइगोट इज एम्बेडेड, पूरी तरह से जाइगोट जो है एंडोमेट्रियम वॉल में क्या हो जाता है, एम्बेडेड हो जाता है। ठीक है, तो इसी प्रोसेस को हम क्या बुलाते हैं, इम्प्लांटेशन। नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी, इम्प्लांटेशन तो हो गया। एज द इम्प्लांटेशन विल टेक प्लेस, दैट फ्रॉम देयर वन अनदर स्टेज स्टार्ट, वहाँ से एक दूसरी स्टेज स्टार्ट हो जाती है। जैसे आपने अभी तक कौन सी स्टेज डिस्कस की, ब्लास्टोसिस्ट। ब्लास्टोसिस्ट किस स्टेज में इम्प्लांटेशन हो गया था, ब्लास्टोसिस स्टेज में इम्प्लांटेशन हो गया था। नाउ इन दिस डायग्राम यू कैन सी दैट द प्लेसेंटा, आपको क्या क्या देखो दिख रहा है, एक तो एम्ब्रियो दिख रहा है, अभी तक वो जाइगोट था, धीरे धीरे किस में चेंज हो गया, एम्ब्रियो में चेंज हो गया। एक दिख रही है अम्बिलिकल कॉर्ड दिख रहा है, ठीक है, देखो जो जाइगोट मतलब जो एम्ब्रियो है उससे कनेक्टेड है कौन, अम्बिलिकल कॉर्ड। उसके बाद यहाँ पे कुछ प्लेसेंटल विली दिख रहे हैं, मतलब ये जो स्ट्रक्चर है ये सब प्लेसेंटा है।
प्लेसेंटा मतलब एक टिश्यू होता है, प्लेसेंटा क्या है, एक टिश्यू है एंड इट आल्सो एंडोक्राइन ग्लैंड। ये एंडोक्राइन ग्लैंड भी है, परमानेंट नहीं होती, ठीक है, टेम्परेरी ग्लैंड है। इट आल्सो सेक्रेट हार्मोन, हार्मोन सेक्रेशन करती है, ठीक है, और दिस प्रोसेस टेक प्लेस इन द कैविटी ऑफ यूटरस, ठीक है, और ये प्रोसेस कहाँ पे हो रहा है, कैविटी ऑफ यूटरस में हो रहा है। तो नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी हाउ द प्लेसेंटा इज फॉर्म, प्लेसेंटा कैसे बन जाता है, ठीक है, एंड हाउ द एम्ब्रियोनल डेवलपमेंट टेक प्लेस, एम्ब्रियो का डेवलपमेंट कैसे होता है। तो फर्स्ट वन वी आर गोइंग टू डिस्कस हाउ द प्लेसेंटा इज फॉर्म। आई टोल्ड यू दैट ट्रोफोब्लास्ट फॉर्म द विली, वो क्या बनाता है, विली बनाता है, देखो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, ट्रोफोब्लास्ट पे जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होते हैं दे आर अटैच्ड टू द, मतलब वो एंडोमेट्रियम वॉल में एंटर कर जाते हैं, सी दे आर सराउंडेड बाई एंडोमेट्रियम वॉल, ठीक है, एंडोमेट्रियम टिश्यू एंड मैटरनल ब्लड, इस डायग्राम में यहाँ देख सकते हो ये, ठीक है, ये देखो ये एंडोमेट्रियम वॉल है, ठीक है, जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन अपीयर हुआ था देखो, और वो जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है और मैटरनल टिश्यू, मतलब मदर का जो टिश्यू है, मैटरनल टिश्यू, दोनों मिलके एक टिश्यू बना लेते हैं जिसको हम क्या नाम देते हैं, प्लेसेंटा। इस डायग्राम में बहुत अच्छे से इसको रिप्रेजेंट कर रखा है, ठीक है, देखो यहाँ से ये दिखा रहा है कि प्लेसेंटा कैसा दिखता है। प्लेसेंटा में कुछ नहीं, देखो यहाँ पे फीटल कैपिलरीज होती हैं, फीटस से जो कैपिलरीज आती है वो सब होती है, ठीक है, और वो किससे एम्बेडेड हो जाती है, पूरे मतलब किसकी तरह से, किस में पूरी तरह से अटैच हो जाती है, मैटरनल टिश्यू से, मैटरनल टिश्यू मतलब यूटेरिन टिश्यू से पूरी तरह से अटैच हो जाती है। तो देखो इस लाइन में यही लिखा हुआ है, ठीक है, कोरियोनिक विली, मतलब जो विली अपीयर होती हैं, ठीक है, मतलब जो जायगोट पे जो कोरियोनिक जो विली अपीयर होती हैं उनको हम कोरियोनिक विली बोलते हैं, बात समझ में, ठीक है। सबसे पहले तो ट्रोफोब्लास्ट से जो विली निकलेगी वो यूटेरिन टिश्यू से पूरी तरह से सराउंडेड हो जाएगी, फिर उसी विली को हम कोरियोनिक विली बोलते हैं, कोरियोनिक विली और यूटेरिन टिश्यू दोनों इंटरडिगिटेटेड हो जाते हैं। इंटरडिगिटेटेड का मतलब क्या है, फ्रेंड मैं तुम्हें ब्लैंक स्लाइड पे बता दे रहा हूँ, इंटरडिगिटेशन का मतलब क्या हो गया, देखो बहुत अच्छे से समझ लो, जैसे ये है एम्ब्रियो, ठीक है, और ये है ट्रोफोब्लास्ट, ये कौन सी लेयर हो गई, ट्रोफो ब्लास्ट हो गई, ठीक है, और यहाँ पे क्या है, ये पार्ट क्या है, ये है यूटेरिन वॉल, ये यूटेरिन टिश्यू है, ठीक है। अब देखो जो यूटेरिन टिश्यू है उसमें जो टिश्यूज़ होंगे, ये मान लो ये टिश्यूज़ हैं, ये सब सेल्स हैं, टिश्यूज़ हैं, ठीक है, और जो ट्रोफोब्लास्ट से जो विली निकल रही है, ये ट्रोफोब्लास्ट से विली निकल रही है, ये दोनों देखो मिल जा रहे हैं, इंटरडिगिटेशन इसी को बोलते हैं, ठीक है, ये कहाँ से आ रहा है, ट्रोफोब्लास्ट से आ रहा है, और ये कहाँ से आ रहा है, यूटेरस से आ रहा है, ये दोनों ही विली, एक तरफ से कोरियोनिक विली एक तरफ से मैटरनल टिश्यू, दोनों मिल के इंटरडिगिटेशन कर लेते हैं और इसी स्ट्रक्चर को हम प्लेसेंटा बुलाते हैं। आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा कि प्लेसेंटा का फॉर्मेशन कैसे होता है। देखो यहाँ पे लिखा है कोरियोनिक विली एंड यूटेरिन टिश्यू बिकम इंटरडिगिटेटेड विद ईच अदर एंड ज्वाइंटली फॉर्म अ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट, जिसको हम क्या बुलाते हैं, प्लेसेंटा बुलाते हैं, समझ में आए, ठीक है। तो प्लेसेंटा में मोस्टली जो ब्लड कैपिलरीज होती हैं वो सब रहती हैं, ठीक है। तो प्लेसेंटा एक क्या है, प्लेसेंटा एक टिश्यू भी है, प्लेसेंटा एक एंडोक्राइन ग्लैंड भी है, दैट सेक्रेट सो मेनी हार्मोन, वो हार्मोन भी सेक्रेट करता है। अब फिर से इस डायग्राम को एक बार और देख लो, ठीक है, देखो इसमें क्या क्या है, बहुत अच्छे से मैं तुम्हें यहाँ पे क्लियर कर दे रहा हूँ। एक तो ये पार्ट देखो, ये क्या है, यूटेरिन टिश्यू है, देखो यूटेरिन टिश्यू से कुछ ब्लड वेसल्स निकली हैं कि नहीं निकली हैं, ये ब्लड वेसल्स जो प्लेसेंटा बन गया, मतलब जो कोरियोनिक विली थी उससे देखो अटैच हो गई हैं, और यही जो इंटरडिगिटेशन हो रहा है इसी को हम क्या बुलाते हैं, प्लेसेंटा बुलाते हैं, ठीक है। अब देखो प्लेसेंटा से कुछ कॉर्ड निकली है, मतलब कुछ वेसल्स निकल रही हैं, ध्यान से देखो, जो प्लेसेंटा है उससे अम्बिलिकल वेन और अम्बिलिकल आर्टरी, इनको अम्बिलिकल नाम देते हैं, अम्बिलिकल वेन एंड अम्बिलिकल आर्टरी। अब तुम्हें पता है वेन का क्या रोल होता है, वेन कैरी द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड एंड आर्टरी कैरी द ऑक्सीजनेटेड ब्लड, मतलब प्लेसेंटा से अम्बिलिकल वेन और अम्बिलिकल आर्टरी का फॉर्मेशन हो जाएगा, ठीक है, इसी को अम्बिलिकल कॉर्ड बुलाते हैं। कॉर्ड मतलब होता है कि कुछ स्ट्रिंग लाइक, मतलब कुछ वेसल्स यहाँ पे बन जाती है जिनको हम क्या बुलाते हैं, अम्बिलिकल कॉर्ड। दिस अम्बिलिकल कॉर्ड विल अटैच टू द एम्ब्रियो, यही अम्बिलिकल कॉर्ड किससे अटैच रहती है, एम्ब्रियो से अटैच रहती है, मतलब प्लेसेंटा का क्या रोल है, प्लेसेंटा और यूटेरिन टिश्यू, प्लेसेंटा और यूटेरिन टिश्यू से अटैच हो गया,
ठीक है। प्लेसेंटा का रोल क्या होता है, यूटेरिन टिश्यू से, मैटरनल टिश्यू से न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब करना, ये एब्जॉर्ब कर लेगा, ठीक है। एब्जॉर्ब करने के बाद ये किसको ट्रांसफ़र करेगा, अम्बिलिकल कॉर्ड को ट्रांसफ़र कर देगा। अम्बिलिकल कॉर्ड किसकी, अम्बिलिकल कॉर्ड किससे कनेक्टेड होगी, एम्ब्रियो से, एंड इट विल प्रोवाइड द एसेंशियल्स थिंग्स टू द एम्ब्रियो थ्रू द अम्बिलिकल आर्टरी। अम्बिलिकल आर्टरी को ये क्या प्रोवाइड कराएगा, एसेंशियल थिंग्स, एसेंशियल थिंग्स मतलब ऑक्सीजन, फूड पार्टिकल्स, अदर सब्सटेंसेस, और जो भी एम्ब्रियो में वेस्ट मटेरियल फॉर्म होगा दैट विल बी कैरीड बाई अम्बिलिकल वेन। वो कौन कैरी करेगा वहाँ से, अम्बिलिकल वेन कैरी करेगा, समझ में आया, ठीक है। जैसे हमारे बॉडी में जो एसेंशियल सब्सटेंसेस का जो ट्रांसपोर्टेशन होता है वो आर्टरी के थ्रू होता है, ऐसे ही एम्ब्रियो में किसके थ्रू होगा, अम्बिलिकल आर्टरी के थ्रू होगा। और एम्ब्रियो में जो भी क्या बनेगा, वेस्ट मटेरियल बनेगा, वो कौन कैरी करेगा, दैट विल बी कैरीड बाई द अम्बिलिकल वेन, समझ में आ गया। तो इस तरह से क्या हो रहा है कि ये देखो बेबी यहाँ से अटैच है ना ये, ठीक है। तो ये प्लेसेंटा, प्लेसेंटा, प्लेसेंटा और एम्ब्रियो के बीच में जो कनेक्शन है उसको क्या बुलाते हैं, हम अम्बिलिकल कॉर्ड बुलाते हैं। क्लियर हो गया। आपने थ्री इडियट मूवी देखी होगी, थ्री इडियट मूवी में अगर वो सीन याद होगा कि व्हेन इट कट द सिस्टर ऑफ करीना कपूर के जो बेबी बर्थ होती है, ठीक है, तो उस टाइम कोई डॉक्टर्स नहीं होते, इमरजेंसी होती है, तो आमिर खान क्या करता है, क्लैंप लगा के कुछ कट करता है, वही होती है अम्बिलिकल कॉर्ड। याद होगा आपको कि वो जो बैटरी वाली क्लिप होती है वही यूज़ कर लेता है, क्लैंप लगा के कुछ किसी चीज़ को कट करता है, ठीक है। तो वो क्या था, अम्बिलिकल कॉर्ड था। तो अम्बिलिकल कॉर्ड कनेक्शन है एम्ब्रियो और प्लेसेंटा के बीच में। क्लियर हो गया, समझ में आ गया कि क्या है, ठीक है। अब नेक्स्ट पे आ जाओ। इस यहाँ पे मैंने देखो फंक्शन, प्लेसेंटा का फंक्शन लिख रखा है कि प्लेसेंटा क्या है, टिश्यू भी है, ये ऑर्गन भी है, ठीक है। और ये एम्ब्रियो के थ्रू, एम्ब्रियो के साथ किससे कनेक्टेड होता है, अम्बिलिकल कॉर्ड से कनेक्टेड होता है, ठीक है। अब देखो प्लेसेंटा जो है ना, अब देखो ये तो क्लियर हो गया ना कि प्लेसेंटा जो है एम्ब्रियो से कैसे कनेक्ट हुआ, क्योंकि अब एम्ब्रियो को क्या चाहिए, एसेंशियल सब्सटेंसेस चाहिए। जब उसको एसेंशियल सब्सटेंसेस मिलेंगे तब उसकी ग्रोथ होगी, ठीक है। अब सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं कि प्लेसेंटा का क्या क्या रोल होता है। एक तो प्लेसेंटा कनेक्शन है एम्ब्रियो और मैटरनल की बॉडी के बीच में। उसके बाद इट आल्सो प्रोड्यूस सो मेनी हार्मोन्स, हार्मोन्स का भी प्रोडक्शन करता है। अभी तक प्रोडक्शन कौन कर रहा था, अभी तक प्रोजेस्ट्रॉन मतलब कॉर्पस ल्यूटियम का, ल्यूटियम जो है कर रहा था एस्ट्रोजन प्रोजेस्ट्रॉन का, लेकिन अब जो है जैसे ही प्लेसेंटा बनेगा तो प्लेसेंटा भी हार्मोन का सेक्रीशन करेगा, HCG वुमेन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन। उसके बाद HPL वुमेन प्लेसेंटल लैक्टोजन, एस्ट्रोजन प्रोजेस्ट्रॉन, एस्ट्रोजन प्रोजेस्ट्रॉन तो क्या नाम है ओवरी भी रिलीज़ करती है, लेकिन यहाँ पे प्लेसेंटा भी सेक्रीट करेगा, ठीक है। दीज हार्मोन केवल प्रेगनेंसी के केस में ही देखे जाएंगे। कौन से हार्मोन, HCG और HPL। आपको पता होगा ब्लड टेस्ट होता है, ब्लड टेस्ट में जो है रिपोर्ट आती है। अगर किसी को प्रेगनेंसी के लिए टेस्ट कराना है तो वैसे तो आजकल किट आती है, ठीक है, इंस्टेंट किट आती है, उसमें पता लग जाता है, लेकिन फिर भी अगर किसी को डाउट है तो वो ब्लड टेस्ट के थ्रू पता लग सकता है। तो ब्लड में क्या मतलब क्या ट्रेस करते होंगे, ब्लड में इन्हीं हार्मोन को ट्रेस करते होंगे, HCG और HPL को। अगर ये दोनों हार्मोन मिल गए तो इसका मतलब है देयर इज़ अ प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी हो चुकी है, ठीक है। क्लियर हो गया। तो प्लेसेंटा का क्या रोल है, प्लेसेंटा इज़ एक्टिंग एज अ एंडोक्राइन ग्लैंड, ठीक है। देखो हर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी जो होती है लेवल जो है और हार्मोन का भी बढ़ जाता है। अभी मैंने चार हार्मोन आपको प्लेसेंटा वाले बताए, अब देखो कुछ और भी हार्मोन है, एस्ट्रोजन प्रोजेस्ट्रॉन ये तो इंपॉर्टेंट है ही है, कॉर्टिसोल, ठीक है, कैल्शियम वगैरह, प्रोलैक्टिन जो मिल्क के सेक्रीशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है, प्रोडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है सॉरी, और थायरॉक्सिन जो है मेटाबॉलिज्म बढ़ा देता है। तो जो व्हेन देयर इज़ ए केस ऑफ प्रेगनेंसी तो ह्यूमन फीमेल की बॉडी में मेटाबॉलिज्म रेट मतलब मेटाबॉलिक रेट भी क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। क्यों बढ़ जाता है, क्योंकि फीटस को क्या चाहिए, ज़्यादा न्यूट्रिएंट चाहिए उसको। अब क्योंकि उस मदर की बॉडी में एक लाइफ नहीं है, दो लाइफ है, ठीक है, तो जो भी एसेंशियल सब्सटेंसेस चाहिए वो दो लाइफ के लिए चाहिए, इसीलिए मेटाबॉलिक रेट क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, समझ में आया, ठीक है। तो प्रेगनेंसी के टाइम पे क्या हुआ, हार्मोन्स कौन कौन से सेक्रेट हुए, प्लेसेंटा कैसे बना, ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई। अब नाउ द एम्ब्रियो विल गेट द न्यूट्रिशन, एम्ब्रियो को न्यूट्रिशन मिलेगा, और यहाँ से एक स्टेज स्टार्ट हो जाती है जिसको बोलते हैं हम गैस्ट्रुलेशन। तो ये तीसरी स्टेज है, ये थर्ड स्टेज है। पहली स्टेज कौन सी थी, मारूला। सेकेंड स्टेज क्या थी, ब्लास्टोसिस्ट या ब्लास्टूला। और तीसरी थर्ड स्टेज क्या है, गैस्ट्रुलेशन या गैस्ट्रुला। इन दिस स्टेज, ठीक है, द डेवलपमेंट ऑफ द एम्ब्रियो, फिर एम्ब्रियो, फिर फीटस, फिर बेबी का फॉर्मेशन होता है।
तीन स्टेजेस होती हैं। सबसे पहले एम्ब्रियो होता है, एम्ब्रियो से फीटस बन जाता है, फीटस से बेबी का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। और इट लास्ट फॉर 9 मंथ, वुमेन फीमेल में अप्रॉक्सीमेटली ये 9 मंथ का होता है। लेकिन आजकल जो है तुम देख रहे होगे कि मतलब बिफोर द टाइम 8 मंथ में ही या 7 मंथ में भी डिलीवरी हो रही है, ठीक है। दैट डिपेंड्स, वो डिपेंड करता है, इसलिए मैंने यहाँ पे अप्रॉक्सीमेटली लिखा है। लेकिन मैक्सिमम कितना होता है, 9 मंथ, 36 वीक्स, ठीक है। उस ये दिस इज़ द पीरियड ऑफ 9 मंथ, ठीक है। 280 डेज़ का होता है, डेज़ में भी आप बता सकते हो उसको, अप्रॉक्सीमेटली 280 डेज़, ठीक है। तो गेस्टुलेशन में क्या है, जैसे इम्प्लांटेशन होगा, जो इनर सेल मास है वो 3 लेयर में डिवाइड हो जाएगा। जो इनर सेल मास याद है ना आपको, आपने जायगोट में पढ़ा था ब्लास्टोसिस स्टेज में, एक ट्रोफोब्लास्ट और एक इनर सेल मास। तो इनर सेल मास किस में चेंज हो जाएगी, 3 लेयर में चेंज हो जाएगी, एक्टोडर्म, एंडोडर्म और मेसोडर्म। आपने 11th में भी पढ़ रखा है, यही तीनों टिश्यूज़ होते हैं, मतलब ये तीनों जर्म लेयर होती हैं, दे फॉर्म डिफरेंट टिश्यूज़ एंड ऑर्गन, ठीक है। ये तीनों लेयर मिल के डिफरेंट टिश्यूज़ और ऑर्गन का फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है, क्लियर है। नाउ कम टू द नेक्स्ट वर्ड। अब देखो, जब ये स्टेजेस हो जाएंगी तो एम्ब्रियो का स्ट्रक्चर कैसे हो जाएगा, अभी तक कैसा था, इनर सेल मास था, अब देखो एम्ब्रियो बन गया। एम्ब्रियो जो है, देखो यहाँ पे ब्लैक कलर का जो दिख रहा है, डिस्क शेप है। जो एम्ब्रियो है ये किस शेप में है, डिस्क शेप में है, मतलब ये इनिशियल स्टेज है एम्ब्रियो की, ये डिस्क शेप में हो गया, ठीक है। ये पूरा एम्ब्रियो जो है वो एक लेयर से कवर होता है, जिसको बोलते हैं कोरियोन। ये देखो सबसे आउटर लेयर कौन सी होती है, कोरियोन, ठीक। कोरियोन के अंदर जो कैविटी है उसको कोरियोनिक कैविटी भी बोलते हैं। मैं हर एक पार्ट यहाँ पे बता दे रहा हूँ आपको, ठीक है। तो सबसे आउटर लेयर कौन सी होगी, कोरियोन होगी, ठीक है। अंदर सबसे कौन है, सबसे मतलब इंटरनल पार्ट कौन से है, एम्ब्रियो। एम्ब्रियो किस शेप में है, डिस्क शेप में है, ठीक है। उसके बाद कोरियोन एक लेयर होगी, मैं तो मेम्ब्रेन होगी, प्रोटेक्टिव मेम्ब्रेन फॉर्म हो जाती है पूरे चारों तरफ एम्ब्रियो के। उसके अंदर जो कैविटी आपको ब्लैंक स्पेस दिख रहा है, ये कोरियोनिक कैविटी है, ठीक है। उसके बाद आपको एक पार्ट दिख रहा है, दैट इज़ एमनियोटिक कैविटी। देखो ये जो पार्ट है ये एमनियोटिक कैविटी है ना, यहाँ पे देखो ये एमनियोटिक कैविटी दिख रही, नहीं ये बाद में बड़ी भी हो जाती है, इतनी छोटी नहीं रहती, एमनियोटिक कैविटी होती है इसमें। ये एम्ब्रियो के ऊपर की, मतलब एम्ब्रियो के जस्ट ऊपर की लेयर होती है, एम्ब्रियो को कवर करती है, और इसमें भरा होता है एमनियोटिक फ्लूइड। ये सबसे इम्पॉर्टेंट लेयर है, ठीक है। इसमें भरा होता है एमनियोटिक कैविटी में एमनियोटिक फ्लूइड। एमनियोटिक लिखा ही हुआ है, इसलिए मैंने केवल लिख दिया फ्लूइड। एमनियोटिक फ्लूइड भरा होता है। एमनियोटिक फ्लूइड जैसे बैलून के अंदर आप वाटर फिल कर दो और उसमें कोई चीज़ रख दो, तो उसमें जो चीज़ आपने रखी है उसको चोट नहीं पहुँचेगी। सेम एज एमनियोटिक फ्लूइड का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है कि ये शॉक एब्जॉर्बर की तरह बिहेव करता है। कोई भी शॉक अगर हो रहा है तो वो एम्ब्रियो तक नहीं पहुँचता बिकॉज ऑफ द एमनियोटिक फ्लूइड। अभी आप नेक्स्ट चैप्टर में एक चीज़ पढ़ोगे कि एक टॉपिक पढ़ोगे कि आज आपने सुना होगा सेक्स डिटरमिनेशन लोग करवाते हैं, मतलब फीटस का सेक्स चेक कराते हैं कि वो बॉय चाइल्ड है कि गर्ल चाइल्ड है। आपने सुना भी होगा, इसके बहुत सारे मिसयूजेस भी होते हैं कि अगर गर्ल चाइल्ड होती है तो उसको फीटस में ही किल कर देते हैं, जिसको फीटिसाइड बोलते हैं। इसी फ्लूइड की हेल्प से पता लगाते हैं कि क्रोमोसोमल पैटर्न क्या है। एक्चुअली इस फ्लूइड में क्रोमोसोमल पैटर्न भी होता है, ठीक है। इसी फ्लूइड से पता लग जाता है कि गर्ल चाइल्ड है कि बॉय चाइल्ड है, क्लियर है, ठीक है। तो एमनियोटिक कैविटी समझ में आ गया। देखो ये एक और एक पार्ट दिख रहा है, यॉर्क सैक। यॉर्क सैक वुमेन में फंक्शनल नहीं होता, मतलब ये नॉन फंक्शनल होता है, ठीक है। जो जितने भी चिकन्स जैसे जो बर्ड्स होती हैं उनमें यॉर्क सैक होता है। यॉर्क सैक का वहाँ पे क्या रोल है, न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराता है। यहाँ पे यॉर्क सैक होता तो है, लेकिन यॉर्क सैक का यहाँ पे वो पर्टिकुलर फंक्शन नहीं होता है। इट डज़ नॉट प्रोवाइड एनी न्यूट्रिशन टू द एम्ब्रियो, ये एम्ब्रियो को न्यूट्रिशन प्रोवाइड नहीं कराता, ठीक है। बस इसमें कुछ ब्लड सेल्स बनती हैं, यॉर्क सैक में ब्लड सेल्स का फॉर्मेशन होता है। दिस इज़ द रोल ऑफ द यॉर्क सैक इन द ह्यूमन एम्ब्रियो, ठीक है। तो यॉर्क सैक जब आप इवोल्यूशन चैप्टर पढ़ोगे तो उसमें आपको ये कनेक्ट भी करेगा कि यॉर्क सैक का होना बताता है कि इवोल्यूशनरी सीरीज में हम दूसरे भी एनिमल से कनेक्टेड हैं, क्योंकि हमारे एम्ब्रियो में यॉर्क सैक होता है, बल्कि यॉर्क सैक का प्रॉपर फंक्शन नहीं होता, क्लियर हो गया। उसके बाद एक लास्ट लेयर है जिसका नाम है एलेंटोइस। एलेंटोइस लेयर ही जो है वो आर्टरीज और वेन बनाता है। ये देखो सबसे बाद में बनता है, ये सबसे पहले कोरियोन बनेगा, फिर एमनियोटिक कैविटी बनेगी, एमनियोटिक फ्लूइड भर जाएगा, ठीक है। और सबसे लास्ट में कौन सी लेयर बनेगी, एलेंटोइस। एलेंटोइस ही जो आर्टरीज है और वेन का फॉर्मेशन करता है, ठीक है। अब देख रहे हो यहाँ पे प्लेसेंटा विली है, और यहाँ पे क्या होगा, अम्बिलिकल कॉर्ड होगा,
और अम्बिलिकल कॉर्ड किससे कनेक्टेड है, एम्ब्रियो से कनेक्टेड है। तो इस तरह से आपने इस फिगर में ये देख लिया कि एम्ब्रियो किस तरह से हो जाता है, ठीक है, जब उसका इम्प्लांटेशन हो जाता है तो। क्लियर है, यहाँ पे मैंने देखो सारे जितने भी पार्ट अभी आपको मैंने बताए ना, सब के फंक्शन यहाँ पे लगा दिए, नोट कर लेना, ठीक है। अब देखो इस डायग्राम में क्या दिख रहा है, ये वन मंथ में, अब प्रेगनेंसी तो हो गई, अब एम्ब्रियोनल डेवलपमेंट हो रहा है, वन मंथ में, टू मंथ में, थ्री, फोर, इस तरह से अलग अलग मतलब ड्यूरेशन पे देखो चेंजेस आ रहे हैं, आ रहे कि नहीं आ रहे, इस तरह से चेंजेस आते आते नाइन मंथ में पूरी तरह से फुल्ली मैच्योर बेबी का फॉर्मेशन हो जाता है और उसका पार्चुरेशन मतलब डिलीवरी हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे एक मैंने चार्ट यहाँ पे लगा दिया ताकि आपको समझ में आए कि किस तरह से बेबी का मतलब एम्ब्रियो जो है फीटस में, फीटस फिर धीरे धीरे बेबी में चेंजेस आते हैं, ठीक है। अब इसी को हमें पढ़ना है कि सबसे पहले क्या चेंज आता है। तो एक तो आपको पता लग गया इनर सेल मास तीन लेयर में चेंज हो गया था, एक्टोडर्म, एंडोडर्म और मेसोडर्म, तीनों मिलके टिश्यूज़ और ऑर्गन्स का फॉर्मेशन करते हैं। सबसे पहला जो ऑर्गन बनता है वो हार्ट बनता है, मतलब फर्स्ट ऑफ ऑल इन द फर्स्ट मंथ जो ऑर्गन बनता है वो हार्ट बनता है। इसीलिए जब भी प्रेगनेंसी के केस होते हैं तो वन मंथ में जब वो डॉक्टर के पास जाते हैं, गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाते हैं, तो एक टेस्ट करते हैं अल्ट्रासाउंड। उस अल्ट्रासाउंड में बेबी की जो हार्ट बीट होती है, ठीक है, उसको सुन के पता लगाया जा सकता है कि बेबी की कंडीशन क्या है, और स्टेथोस्कोप को लगा के भी उस हार्ट बीट को सुना जा सकता है, समझ में आया, ठीक है। तो फर्स्ट साइन ऑफ द बेबी इज़ द हार्ट, ठीक है, जो सबसे पहला जो ऑर्गन बनता है बेबी के बॉडी में मतलब एम्ब्रियो के में, फीटस में, दैट इज़ हार्ट, वो हार्ट होता है, ठीक है। यहाँ पे मैंने सारी चीज़ें लगा दी हैं कि सबसे पहला जो होता है वो हार्ट का फॉर्मेशन होता है, ठीक है, एम्ब्रियो का हार्ट बन जाता है। सेकेंड मंथ, जैसे ही सेकेंड मंथ ओवर होता है बेबी में लिम्स और डिजिट्स बन जाते हैं। लिम्स और डिजिट्स का मतलब हो गया हाथ और उनमें जो फिंगर्स होते हैं, डिजिट्स मतलब फिंगर्स का फॉर्मेशन हो जाता है। देखो दो या तीन ट्राइमेस्टर होते हैं, ट्राइमेस्टर मतलब थ्री मंथ मतलब 12 वीक, पहला ट्राइमेस्टर जब ख़त्म होगा मतलब थ्री मंथ जब ख़त्म होंगे तो मेजर ऑर्गन लगभग बन जाते हैं, एक्सटर्नल जेनिटेलिया वगैरह सब का फॉर्मेशन हो जाता है जैसे ही थ्री मंथ ख़त्म होंगे। फर्स्ट ट्राइमेस्टर में ये सारे ऑर्गन का फॉर्मेशन हो जाता है। फिफ्थ मंथ में मूवमेंट होती है बेबी की, आपने मूवीज़ वगैरह में सुना देखा होगा कि जो प्रेग्नेंट वीमेन होती है वो अपने हस्बैंड से या अपने रिलेटिव से बोलती है कि बेबी इज़ किकिंग, या बेबी की में मूवमेंट हो रही है, ऐसा कुछ हो रहा है। तो एक्चुअली वो क्या होता है कि बेबी जो होता है मूव करना स्टार्ट कर देता है। देखो यहाँ पे पहले बेबी का सर देखो इधर ऊपर था, फिर ये धीरे धीरे देखो बेबी क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। तो फिफ्थ मंथ में बेबी की जो मूवमेंट होती है फीटस की वो स्टार्ट हो जाती है, ठीक है, और उसके हेयर पे, हेड पे हेयर भी आ जाते हैं, ठीक। 24 सेकेंड ट्राइमेस्टर में द बॉडी इज़ कवर्ड विद फाइन हेयर, पूरी बॉडी फाइन हेयर से कवर हो जाती है। आईलिड्स सेपरेट हो जाते हैं, पहले आई लिड एकदम फ्यूज़ होते हैं, मतलब आई जो है एकदम पूरी तरह से बहुत ज़रा वो डिस्टिंक्ट नहीं होती, ठीक है, फिर आई लिड सेपरेट हो जाते हैं, आई लैशेस भी बन जाते हैं। इतना ये सारे चेंजेस आते हैं 22nd ट्राइमेस्टर पे, और जब थर्ड ट्राइमेस्टर कंप्लीट होता है, ठीक है, तो पूरी तरह से जो बेबी है मतलब जो फीटस है वो पूरी तरह से क्या हो गया, कंप्लीट हो गया, मतलब पूरी तरह से मैच्योर हो गया, और नाउ द फीट मतलब बेबी इज़ रेडी फॉर द पार्चुरेशन, मतलब अब वो डिलीवरी के लिए रेडी हो जाता है। तो जैसे ही उसका फॉर्मेशन होता है यूटरस में ऐसे चेंजेस आते हैं, ठीक है, कि अर्ज आती है कि देर इज़ ए द बेबी, नाउ बेबी इज़ गोइंग टू बी पार्चुरेट, अब उसका पार्चुरेशन मतलब डिलीवरी होने वाली है, समझ में आ गया। तो इस टॉपिक में हमने क्या क्या पढ़ा, सबसे पहले पढ़ा कि प्लेसेंटा कैसे बनता है, प्लेसेंटा और एम्ब्रियो का कनेक्शन अम्बिलिकल कॉर्ड से होता है। फिर ये इस डायग्राम में आपने देखा कि जैसे ही इसको न्यूट्रिशन मिलता है तो किस तरह से स्ट्रक्चर बन जाता है, स्ट्रक्चर बन जाता है। फिर इस फ्लो चार्ट में आपने देखा कि किस तरह के चेंजेस आ रहे हैं, मैंने यहाँ पे ये भी लिख दिया कि किस ट्राइमेस्टर में क्या क्या फॉर्म हो रहा है, सबसे पहले क्या बन रहा है, ठीक है। नाउ वी विल स्टडी, अब देखो यहाँ पे एक पार्चुरेशन पढ़ रहे हैं, ये जो जितने भी डायग्राम मैंने लगा रखे हैं ये सब पार्चुरेशन के हैं। देखो सबसे पहला फेज़ होता है इनिशियल फेज़, लेटेंट फेज़ होता है, ठीक है, यूट्रस में है, ये पूरा पार्ट यूट्रस है, ये फीटस है, आप इसको बेबी भी बुला सकते हो, ठीक है। अम्बिलिकल कॉर्ड से कनेक्टेड है प्लेसेंटा के थ्रू, ये देखो अम्बिलिकल कॉर्ड है और ये प्लेसेंटा के थ्रू, सॉरी प्लेसेंटा के थ्रू इधर कनेक्टेड है, ये प्लेसेंटा इधर है, ठीक है। अब देखो इसका जो हेड है वो किस साइड आ गया है, बर्थ कैनाल के साइड आ गया है, सर्विक्स और वेजाइनल ट्रैक की तरफ आ गया है, ठीक है। आपने सुना होगा कुछ बेबी ऐसे होते हैं दे बॉर्न इन्वर्टेड, मतलब वो उल्टे पैदा होते हैं, ऐसी कंडीशन में इनका जो हेड होता है वो इस साइड होता है, ठीक है, तो उनका जो लेग होता है वो इधर आता है, तो प्रॉब्लम होती है उनको पार्चुरेट करने में,
ठीक है, तो आपने सुना होगा कि ऐसे बेबी, जैसे आपने सुना होगा कि उल्टा बेबी बर्थ लिया है, ठीक है, तो उल्टा मतलब यही होता है, उल्टा ये सीधा है और अगर सर इसका अपोजिट साइड हो तो उसको बोलते हैं उल्टा, ठीक है, समझ में आ गया। तो ये पहला फेज़ है कि इस तरह से चेंजेस आ जाते हैं। अब इसका हेड इधर आ गया, थ्री इडियट मूवी में अगर आपको ध्यान होगा, ठीक है, कि जब लेबर, एक होता है लेबर पेन, लेबर पेन का मतलब होता है कि जब यूटरस पूरी तरह से मतलब कंप्लीट हो जाता है, फीटस पूरी तरह से कंप्लीट हो जाता है, तो यूटरस जो है वो प्रेशर लगाता है, उसी को बोलते हैं लेबर, और जो पेन होता है उस कंडीशन में उसको बोलते हैं लेबर पेन। तो इन दैट मूवी आपने, अगर आपको थोड़ा सा ध्यान होगा, तो वो लेबर पेन मतलब द फीमेल बिकम टायर्ड, उसमें जो एक्ट्रेस होती है वो पूरी तरह से टायर्ड हो जाती है। तो आमिर खान क्या लेता है, आमिर खान वैक्यूम क्लीनर के हेल्प से एक पंप बनाता है, सक्शन पंप बनाता है, और वो इसी हेड पे उसको स्टिक करके और इस बेबी को क्या कर लेता है, बाहर की तरफ खींच लेता है, ठीक है। तो ये चीज़ नेचुरल हो रही है, वो वहाँ पे उसने पंप किया था, यहाँ पे वो चीज़ें नेचुरल हो रही है, ठीक है। अब देखो सर्विक्स जो है वो पूरी तरह से इफेस्ड हो गया, इफेस मतलब डायलेट हो गया, यहाँ पे ये पार्ट जो है वो क्या हो रहा है, डायलेट हो रहा है, ठीक है, ये पार्ट देखो डायलेट हो रहा है। डायलेट क्यों हो रहा है, क्योंकि यहाँ से प्रेशर एग्जर्ट हो रहा है, तो ये डायलेट हो जाएगा, सबसे पहले सर्विक्स जो है वो डायलेट हो जाएगा, वेजाइनल ट्रैक जो है वो डायलेट होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। और याद रखना जो एमनियोटिक फ्लूड है उसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल होगा, क्योंकि वही एमनियोटिक फ्लूड बस्ट हो जाता है और यहाँ से फ्लूड जो है वो सेक्रेट होता है, उससे क्या होता है, ईजी पैसेज होता है बेबी का। अगर एमनियोटिक फ्लूड सूख गया तो ऐसी कंडीशन में बेबी जो है वो बहुत अच्छे से पार्चुरेट नहीं कर पाता है, क्लियर है। तो इस डायग्राम में क्या देख रहे हो, स्टेज वन में कि यहाँ पे ये क्या हो रहा है, डायलेट हो रहा है, मतलब इसमें चेंजेस आ रहे हैं। अब नेक्स्ट देखो थर्ड फेज़ में, देखो ये देखो क्रोनिंग हो रही है ऑफ द हेड, मतलब क्रोनिंग मतलब ये बाहर की तरफ आ रहा है, ठीक है। अब वहाँ पे क्या हो रहा है, यूटरस क्या कर रहा है, प्रेशर लगा रहा है, ठीक है, कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, और बेबी का बाहर की तरफ क्या हो रहा है, पार्चुरेशन हो रहा है, ठीक है। और लास्ट में बेबी बाहर की तरफ आ जाता है, ये जो अम्बिलिकल कॉर्ड जो प्लेसेंटा के से कनेक्ट थी उसको क्लैंप लगा के कट कर देते हैं, ठीक है, जो हमारे नेवल से जुड़ी होती है, ठीक है। और बाद में ये प्लेसेंटा भी यूटरस से बाहर आ जाता है, ये अंदर नहीं रहता, ये बाहर की तरफ आ जाता है। तो इस डायग्राम में चारों स्टेप मैंने आपको क्लियर कर दिए कि किस तरह से हो रहा है। अब इसको थोड़ा सा थ्योरेटिकल डिस्कस कर लेंगे, पार्चुरेशन क्या है, देखो डेफिनेशन मैंने लगा दी है, ठीक है। पार्चुरेशन जो होता है, पार्चुरेशन पूरी तरह से न्यूरो एंडोक्राइन मैकेनिज्म पे डिपेंड होता है, मतलब जो सिग्नल होता है पार्चुरेशन का, दैट ओरिजिनेट फ्रॉम द फुल्ली डेवलप, ये डेवलप होगा, ये स्पेलिंग थोड़ी सी यहाँ सही कर लेना, डेवलप फीटस होगा, ठीक है, ये फीटस है एंड अ प्लेसेंटा, जो फुल्ली फॉर्म प्लेसेंटा है और जो फीटस है, ठीक है, वो दोनों क्या करते हैं, दोनों ही सिग्नल देते हैं, सिग्नल मतलब वो पिट्यूटरी ग्लैंड को सिग्नल देते हैं, मतलब जब उस पर जो मेम्ब्रेन होती है उस पर जब स्ट्रेच पड़ता है तो पिट्यूटरी ग्लैंड स्टिमुलेट हो जाती है। पिट्यूटरी ग्लैंड जब स्टिमुलेट हो जाती है तो वो हार्मोन सेक्रेट करती है, इसीलिए देखो यहाँ पे लिखा हुआ है न्यूरो एंडोक्राइन, इसमें नर्व भी इन्वॉल्व है और एंडोक्राइन ग्लैंड भी इन्वॉल्व है। कौन सी एंडोक्राइन ग्लैंड इन्वॉल्व होगी, दैट विल बी पिट्यूटरी, वो पिट्यूटरी इन्वॉल्व होगी, क्लियर है, ठीक है। तो यहाँ से ये क्लियर हो गया कि सिग्नल कैसे इंड्यूस किया जा रहा है, ठीक है, प्लेसेंटा और फीटस दोनों मिलके जब डायलेट होते हैं तो वो एक सिग्नल रिलीज करते हैं जिसको बोलते हैं फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स, ये लास्ट में लिख रखा है फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स। जब ये रिफ्लेक्स होता है तो एक हार्मोन रिलीज होता है ऑक्सीटोसिन, कौन रिलीज़ करता है, पिट्यूटरी, ठीक है, इसीलिए ऑक्सीटोसिन को हम और क्या बुलाते हैं, बर्थ हार्मोन। अगर क्वेश्चन आ जाए कि विच हार्मोन इज़ नोन एज बर्थ हार्मोन, तो ऑक्सीटोसिन इज़ नोन एज बर्थ हार्मोन, ठीक है। ऑक्सीटोसिन का रोल क्या है कि यूटेरिन मसल में कॉन्ट्रैक्शन काज करता है, ठीक है, ये सेक्रेट जब होगा तो यूटेरस जो होगी, मसल्स होगी, उसमें कॉन्ट्रैक्शन होगा, जब कॉन्ट्रैक्शन होगा तो और ज़्यादा स्ट्रेच होगा यूटरस, और पिट्यूटरी और ज़्यादा ऑक्सीटोसिन का रिलीज़ करेगी, समझ में आए। जब सबसे पहले स्ट्रेच किया तो पिट्यूटरी ने ऑक्सीटोसिन रिलीज़ किया, जब ऑक्सीटोसिन रिलीज़ किया तो यूटरस मसल्स में और ज़्यादा कॉन्ट्रैक्शन हुआ, जो और ज़्यादा कॉन्ट्रैक्शन हुआ तो फिर से पिट्यूटरी के पास सिग्नल गया, ठीक है, और पिट्यूटरी ने और ऑक्सीटोसिन का क्या किया, सेक्रेशन किया। इस तरह से स्ट्रॉन्गर से स्ट्रॉन्गर कॉन्ट्रैक्शन होता है यूटरस में, ठीक है, और क्या होने लगता है, एक्सपल्शन ऑफ द बेबी थ्रू द बर्थ कैनाल, जो भी आपने इस डायग्राम में देखा था, एक्सपल्शन होने लगता है, ठीक है। अब जब एक्सपल्शन हो गया तो क्या हो जाता है, बेबी बाहर की तरफ आ जाता है थ्रू बाय द बर्थ कैनाल, ठीक है, और प्लेसेंटा आल्सो एक्सपेल्ड आउट, और प्लेसेंटा भी बाहर की तरफ यूटरस से आ जाता है, क्लियर हो गया। तो ये हो गया क्या, पार्चुरेशन, ठीक है। अब मैंने यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर मतलब पॉइंट्स लगा दिए हैं,
कि जैसे आपको आपने सुना होगा लेबर रूम, वेन एवर यू गो टू द हॉस्पिटल, ठीक है, तो देर इज़ ए लेबर रूम, वहाँ पे एक लेबर रूम होता है। लेबर रूम मतलब वो नहीं मजदूर वाला नहीं, लेबर का यहाँ पे मतलब है कि जो लेबर पेन होता है, मतलब वहाँ पे जो डिलीवरी होती है, ठीक है, वो लेबर से होती है। तो लेबर क्या है, कैन बी इंड्यूस आर्टिफिशियल बाई इंजेक्शन ऑफ ऑक्सीटोसिन। समटाइम इट हैपन्स दैट द वीमेन इज़ नॉट एबल टू कॉन्ट्रैक्ट, उसके टायर्ड हो चुकी है या उस तरह से हो नहीं रहा है, तो एक इंजेक्शन देते हैं ऑक्सीटोसिन, ऑक्सीटोसिन देते हैं, उसकी वजह से कॉन्ट्रैक्शन ज़्यादा होता है और लेबर पेन मतलब यूट्रस जो प्रेशर लगा रहा है वो बढ़ता है, ठीक है। इफ़ द वुमेन डज नॉट डू नॉट वॉन्ट टू गो लेबर पेन, बहुत ज़्यादा क्योंकि ये कंडीशन ख़राब होती है, बहुत ज़्यादा पेन होता है, सीवियर पेन होता है, तो एक सिजेरियन, एक और दूसरी जो टेक्निक होती है ऑपरेशन, जो आप सुनते होंगे कि ऑपरेशन से बेबी प्रोड्यूस हुआ, तो उसी को बोलते हैं सिजेरियन। आजकल ये कॉमन हो गया है, ठीक है, क्योंकि डॉक्टर्स क्या करते हैं, क्योंकि नॉर्मल डिलीवरी होगी तो देर विल बी नो बेनिफिट, कोई बेनिफिट बहुत ज़्यादा नहीं होता, ये भी एक थोड़ा सा रीज़न होता है, ठीक है। और दूसरा रीज़न क्या होता है कि जो फीमेल होती है वो थोड़ी सी डरी भी होती है कि एनीथिंग कैन हैपन, नेचुरल कंडीशन में कुछ भी ऐसा हो सकता है, ठीक है। अभी भी विलेज वगैरह में नॉर्मल डिलीवरी होती है विद द लेबर, ठीक है, क्लियर हो गया। तो इस तरह से मैंने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी बता दिए। अब देखो, जैसे ही डिलीवरी होगी देर विल बी अ लैक्टेशन, लैक्टेशन स्टार्ट हो जाएगा। लैक्टेशन मतलब मतलब सेक्रीशन ऑफ मिल्क, मिल्क का सेक्रीशन स्टार्ट हो जाएगा। आपको मैंने मेमोरी ग्लैंड के बारे में पढ़ा ही रखा है कि मेमोरी ग्लैंड दैट इज़ आल्सो नोन एज ब्रेस्ट, उसमें कैसे मिल्क का फॉर्मेशन होता है, कौन कौन सी डक्ट्स होती हैं, कौन कौन सी ट्यूबल्स होती है, ठीक है। तो देखो, मेमोरी ग्लैंड डिफरेंशिएशन मतलब उसमें चेंजेस आने लगेंगे ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, बट मिल्क सेक्रीशन जैसे ही प्रेगनेंसी एंड होगी मिल्क का प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। मिल्क प्रोड्यूस ड्यूरिंग इनिशियल फ्यू डेज, उसको बोलते हैं कोलोस्ट्रम। ये येलो कलर का, ये जो कोलोस्ट्रम होता है ये येलो कलर का केमिकल होता है, ठीक है, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, मतलब ये इनिशियल फ्यू डेज में ही सेक्रीट होता है, सारे हर मतलब ऑल द टाइम इट डज नॉट सेक्रीट, ठीक है। इनिशियल जो स्टेज होती है मिल्क सेक्रीशन की, उसमें एक येलो केमिकल आता है जिसको बोलते हैं कोलोस्ट्रम, और कोलोस्ट्रम में एक्चुअली एंटीबॉडीज होती हैं जो बेबी को मतलब पैथोजन से फाइट करने की एबिलिटी प्रोवाइड कराती हैं। दैट्स वाई कोलोस्ट्रम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द ह्यूमन बेबीज़, ह्यूमन बेबीज़ के लिए जो फर्स्ट इंटेंस जो सक्रिय मिल्क है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आपने बहुत सारी मूवीज़ में डायलॉग भी सुना होगा कि माँ का दूध पिया है तो आओ लड़ लो, ठीक है। तो एक्चुअली द मदर मिल्क इज़ वेरी इंपॉर्टेंट ब्रेस्ट फीडिंग, इसीलिए जो ब्रेस्ट फीडिंग है वो डॉक्टर्स जो है वो रिकमेंड भी करते हैं, ठीक है, कि ब्रेस्ट फीडिंग होनी चाहिए इनिशियल स्टेज में, तो कन्फर्म होनी चाहिए, क्लियर है, ठीक है। तो ये हो गया कोलोस्ट्रम के बारे में, कोलोस्ट्रम की क्या इंपॉर्टेंस है। और कोलोस्ट्रम देखो यहाँ पे लिख रखा है मैंने, रेजिस्टेंस प्रोवाइड कराता है न्यू बॉर्न बेबीज़ को, क्योंकि जब बेबी की बर्थ होती है तो वो बहुत अभी इम्यूनिटी उसकी बहुत वीक है, वैसे भी बहुत वीक है वो, तो उसको प्रोटेक्शन की ज़्यादा ज़रूरत होती है, और ऐसी कंडीशन में उसको कोलोस्ट्रम दिया जाता है, ठीक है। अगर आपके यहाँ डेयरी होगी, आपके यहाँ अगर मतलब काउ रेयर की जाती होगी, तो जब काउ भी बर्थ देती है तो जो पहला मिल्क आता है वो येलो कलर का होता है, उसको आपको दिया जाता है, आपको पिलाया जाता है, क्योंकि आपकी इम्यूनिटी उससे भी क्या हो सकती है, बढ़ सकती है, ठीक है। बट जो ह्यूमन मदर होती है, मतलब ह्यूमन फीमेल जो होती है, उनका जो ब्रेस्ट फीडिंग है दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट देन दैट, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है उसके कंपेयर में, ठीक है। तो ये लेसन यहाँ पे ख़त्म हो गया। टुडे वी डिस्कस हाउ द प्रेगनेंसी, हाउ द एम्ब्रियोनल डेवलपमेंट टेक प्लेस, एंड पार्चुरेशन एंड लैक्टेशन, ये दो टॉपिक हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिया कि पार्चुरेशन कैसे होता है और लैक्टेशन कैसे होता है। मैंने डायग्राम के थ्रू, पॉइंट्स के थ्रू, प्रेजेंटेशन के थ्रू एवरीथिंग आई मेड क्लियर, सारी चीज़ें मैंने क्लियर कर दी है। अगर फिर भी आपको कोई डाउट है, कोई चीज़ नहीं क्लियर है हो रही है, ठीक है, वो मेरे को बता दो। आई एम इन द नेक्स्ट वीडियो डाउट सेशन में जो लेके आऊँगा उसमें आपको क्लियर कर दूँगा, वो सारे डाउट आपको क्लियर कर दूँगा। देखो, इट इज़ नॉट पॉसिबल टू रिवाइज होल लेसन बिकॉज ऑल द वीडियोज़ आर देयर ऑन द यूट्यूब, तो वेन एवर यू वॉन्ट यू जस्ट रिवाइंड दैट वीडियो, यू कैन वॉच दैट वीडियो, यू कैन लर्न अगेन। बट इफ़ यू स्टिल इफ यू आर हैविंग एनी कन्फ्यूजन और डाउट, देन राइट डाउन इन द कॉमेंट बॉक्स, देन आई विल कलेक्ट दोज डाउट एंड आई विल ब्रिंग वन डाउट सेशन, मैं आपके लिए एक डाउट सेशन ले आऊँगा, ठीक है। समझ में आ गया, क्लियर हो गया। तो आई एम एंडिंग दिस सेशन, इस सेशन को मैं एंड कर रहा हूँ, ये चैप्टर भी खत्म हो गया, चैप्टर नंबर 3 इज़ फिनिश नाउ। आई विल प्रोवाइड यू द असाइनमेंट ऑफ दिस चैप्टर, ठीक है, एंड देर विल बी नो क्लास टुमारो, कल जो है कोई क्लास नहीं होगी, बिकॉज आपको टाइम भी चाहिए फॉर द रिविज़न, एंड आई विल प्रोवाइड यू द असाइनमेंट, तो आप एक बार असाइनमेंट में से भी गो थ्रू हो जाइएगा, और
फिर बता रहा हूँ, कोई भी टॉपिक हो जो आपको ना क्लियर किया हुआ हो इस पूरे लेसन में, उन टॉपिक्स के बारे में बताना, देन आई विल टीच यू दैट टॉपिक अगेन। उस टॉपिक को मैं फिर से नेक्स्ट डाउट सेशन में उसको क्लियर कर दूंगा, ठीक है। सो टिल देन स्टे एट योर होम, स्टे सेफ, जय हिंद, जय भारत, कीप स्टडिंग।